मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने मोदी जी, मानवाधिकारों का हनन तो सबसे ज्यादा तभी होता है जब उसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो राजनीतिक चश्मा मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही अपनी आंखों पर चढ़ा लिया था। उसके बाद से उसे लोगों का दुख, दर्द और पीड़ा दिखाई देनी बंद हो गई है। कुछ लोगों पर राजनीतिक रंग इतना चढ़ा हुआ है कि किसानों के साथ जब जाती होती है, किसानों पर जब गाड़ी चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसमें संलिप्त होता है, या शायद वो किसानों को इंसान ही नहीं समझते हैं। असम में बेरहमी से इंसानियत को पैरों तले रौंदा जाता है, तब भी शायद मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। विशेष सोच और विचारधारा से जुड़े हुए लोग जब महिला के साथ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अभद्रता करते हैं, तब भी शायद मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, तब भी कुछ लोग चुप रहते हैं। कोरोना की दूसरी हाहाकारी लहर में जब देश तड़प रहा था, लोग मर रहे थे, फिर भी कुछ लोगों को मानवाधिकारों की चिंता नहीं होती है। हाथरस में जब बेटी के साथ अन्याय और बेरहमी होती है, कुछ लोग चुप रहते हैं। शायद उनकी नजरों में यह मानवाधिकारों का हनन नहीं था। वो कुछ लोग कौन हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर ऐसा राजनीतिक चश्मा लगाया है, देश उन्हें अच्छे से जान रहा है। देशवासियों के दुख, दर्द और पीड़ा पर चुप रहने वाले लोग आज मानवाधिकारों और उसके हनन की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा।